रिसेंटली एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि डीमन स्लेयर की लास्ट आर्क 3 मूवीज में डिवाइड होने वाली है, और ये बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बिकॉज आई बिलीव डीमन स्लेयर डिजर्व्स बेटर। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 रीजंस व्हाई यू शुड स्टॉप वेटिंग फॉर द एनिमेशन एंड पिक अप द मांगा राइट नाउ। मैं इसको रखाता हूं, नहीं तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट चलो शुरू करते हैं। देखो, UFO Table is doing a fantastic job in animating the fight scenes and the show overall. But मुझे दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों से। नंबर वन आती है कि इनकी मूवी की डेफिनेशन बड़ी ब्रोकन है। ये लोग एक एपिसोड उठाते हैं लास्ट सीजन का, दो एपिसोड उठाते हैं नए सीजन का, इन दोनों को जोड़ के सीधा थिएटर में चला देते हैं। भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। और प्रॉब्लम नंबर टू है कि जैसे जैसे हम आर्क्स में आगे बढ़ रहे हैं, इनकी पेसिंग बहुत बेकार हो रही है। Like Hashira training arc की pacing was absolutely shit. हाँ? भाई ये arc is supposed to be only 8 chapters in manga, and इसका पूरा का पूरा season कैसे बना सकते हैं ये लोग? And इसका सबसे बड़ा example है Muzan की last episode में entry का। भाई वो तो daily soap के villain की तरह enter करा है यार। उसके इतने सारे memes देखे मैंने, मैं बता नहीं सकता भाई। If this is how they're gonna play with us, I'd rather pick up the manga instead of waiting for the anime. और patience की बात कर ही रहे हैं, तो इससे आता है मेरा reason number 2, which is the timing. We have already reached the final arc of Demon Slayer. Muzan already आपके घर आ चुका है, और घर आके उसने सारे के सारे लोगों को teleport कर लिया है अपने infinite castle में। यहाँ से story बहुत ज़्यादा chaotic और hectic हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे characters divide हो जाते हैं, और वो अपनी-अपनी fight में लग जाते हैं। अब स्टोरी में सिर्फ 50 चैप्टर्स बचे हैं, बट इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, 5 साल में हम 3 मूवीज निकालेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएंगे सिर्फ इस फ्रेंचाइज से। यार अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि हाँ कमाओ भाई बिलियंस ऑफ डॉलर, इतनी बढ़िया फ्रेंचाइज निकाली है, जितना मिल्क कर सकते हो करो। बट इट्स नॉट वेरी फेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ व्यूअर जो कि डीमन स्लेयर की फ्रेंचाइज को एनिमेशन में देखना बहुत ज्यादा पसंद करता है। और चलो मान भी लेते हैं, अगर ये पेसिंग ढंग से कर देते हैं, अगर ये मूवीज स्टैंड अलोन बनाते हैं विदाउट मिक्सिंग डिफरेंट एपिसोड्स, फिर भी हमें 2030 तक वेट करना पड़ सकता है टू सी द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ भाई, मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है। अगर तुम रुक सकते हो तो रुक जाओ, मैंने तो ऑलरेडी मांगा पढ़ ली है। अगर तुम इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि तुम इस डीमन स्लेयर के 3 मूवीज के स्प्लिट के बारे में क्या सोचते हो। फाइनल रीजन आता है कि द मांगा इज अ बैंगर। मैं मानता हूं कि एनिमे की फील अलग आती है, द साउंड इफेक्ट्स एंड द एनिमेशन देख के भाई रूह कांप जाती है, बट एक बार जब तुम मांगा के अंदर घुस जाओगे, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली विजुलाइज करना शुरू कर देगा द साउंड इफेक्ट्स, द डायलॉग्स एंड द विजुअल्स। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने 3 लोगों को सजेस्ट किया कि भाई तुम मांगा पढ़ो, एनिमे की वेट करना बंद करो, एंड दिस इज व्हाट दे हैव टू से। तूने फाइनली डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ ली है, तो बता दे रहे हो कैसी लगी? सही बोलूं, एनिमेशन में और मांगा पैनल्स में कोई डिफरेंस नहीं। ओह अच्छा, तो मतलब वेट करने का कोई फायदा नहीं है, तुम मांगा पढ़ो। हां, जब तक वो आएगी तब तक तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। Fair enough. Okay. राइटर्स ने सिर्फ डीमंस को स्ले नहीं करा है ब्रो, स्टोरी लाइन को स्ले किया है भाई, पूरी मांगा स्ले है भाई, स्ले। भाई मेरे से वेट नहीं होता और ना ही मैं एक एक साल वेट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ डाली, लेकिन अब मुझे एनिमे का वेट करना पड़ेगा। मांगा के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? तो भाई देखो, मैं तो तुम्हें स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि एनिमे जब आएगा तो आएगा। तुमने अभी अभी Hashira ट्रेनिंग आर्क खत्म करी है, तुम्हारे दिमाग में स्टोरी बहुत ज्यादा फ्रेश है। This is the best time to pick up the manga and flow में एक ही बारी में पूरी स्टोरी तुम खत्म कर सकते हो। बाकी तो भाई तुम्हारी मर्जी है, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ। बट चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए एनिमे देखते रहो एंड बाय बाय।